गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 6 में आपका वेलकम। कक्षा 5 तक आपने ईवीएस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़े। अभी आपके लिए एक नया सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। इसलिए आज हम संस्कृत की कुछ छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी चीजों के बारे में बात करेंगे, जो अपने संस्कृत में हर जगह काम आएंगे। हैं छोटे लेकिन उपयोगी चीजें हैं। दोबारा मैं आपका संस्कृत सब्जेक्ट में वेलकम कर रहा हूं। कहीं पर भी आपको कोई एक संस्कृत में ऐसी दो बिंदु टाइप में जो ऊपर नीचे लगी हुई होंगी, ऐसे नहीं लगी हुई मिले किसी भी अक्षर के आगे, तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे? विषर्ग नाम से जानेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो इसको अपन बोलेंगे कि ये विसर्ग है। इसका उच्चारण किया जाएगा तो अपन इसका उच्चारण है की तरह, हल्के से है की तरह करेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा राम, अब इसको अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा राम, अब इसके आगे मैंने विसर्ग लगा दिया, अब इसका उच्चारण करेंगे तो अपन करेंगे राम है। तो कहने को ये विसर्ग है, उच्चारण होगा है की तरह। एक आपको कहीं पर भी कोई ऐसा लिखा हुआ मिले, इसको अपन बोलेंगे हलंत। इस चीज का नाम क्या होगा? हलंत। इसको अपन बोलेंगे हलंत। ये कहां पर प्रयोग किया जाएगा? कोई भी वर्ण है, उस वर्ण को एक तो अपन पूरा लिखें, जैसे मैंने यहां पर चय वर्ण लिखा, अभी अपने आप में पूरा है। अब मैं आपको कहूंगी इसको आधा करके लिखो, तो या तो आप इसको आधा ऐसे करोगे। कुछ वर्ण ऐसे हैं जैसे टय है, ठय है, इनको अपन डायरेक्ट आधा करके नहीं ले सकते, इसलिए हलंत का प्रयोग अपन कहां पर करते हैं? कोई भी वर्ण है उस वर्ण को आधा करने के लिए। अभी मैंने पहले यहां चवर्ण लिखा था, तो इसको अपन या तो ऐसे आधा करके लिखें या इसको अब हलंत लगा दिया। हलंत लगा दिया इसका मतलब अब ये च इसमें से सवर निकल गया, ये आधा हो गया। अब इसको अपन पूरा वर्ण नहीं मानेंगे। एक आपने ऐसा पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा होगा, अनुस्वार कहते हैं, जो अपने संस्कृत में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एक आपने ऐसा पढ़ा, हिंदी में भी मिला आपको, चंद्रबिंदु। तो इसको विसर्ग नाम से जानेंगे, इसको हलंत नाम से जानेंगे, ये अनुस्वार के नाम से, ये चंद्रबिंदु। इनके अलावा आपने हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा था वचन। हिंदी में आपने कक्षा 5 में कितने वचन पढ़े थे? दो वचन। जो किसी एक चीज के लिए, कोई भी वस्तु है, सजीव निर्जीव कुछ भी, एक चीज के लिए जहां प्रयोग किया गया वो एक वचन, एक से ज्यादा हो गया दो है, अब दो से कितना भी ज्यादा उसके लिए यहां आपने प्रयोग किया एक वचन, इधर आते ही आपने प्रयोग किया बहुवचन। लेकिन अपने संस्कृत के अंदर एक वचन और है। पहले आपने दो पढ़े, अब कितने पढ़ने हैं आपको? तीन वचन पढ़ने हैं। तीसरा वचन कौन सा है? द्विवचन। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन। अब यहां पर दो से ज्यादा होने के बाद में कौन सा वचन काम में लेंगे? बहुवचन काम में लेंगे। तो हिंदी में दो पढ़े, संस्कृत में वचन कितने पढ़ेंगे? तीन पढ़ेंगे। एक संख्या के लिए एक वचन, दो संख्या के लिए द्विवचन। दो से ज्यादा होने के बाद कौन सा वचन आएगा? बहुवचन आएगा। इसी प्रकार आपने हिंदी के अंदर लिंग पढ़े थे, वहां पर भी आपने कितने पढ़े थे? दो पढ़े थे। एक था पुल्लिंग और दूसरा था स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराए पुरुष जाति के लिए काम में लिया गया पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध करवाए वो स्त्रीलिंग। लिखने में
हिंदी में मोस्टली अपन उसको ऐसा ही लिखते हैं, अपने वाले में ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो वहां पर आपने पढ़ा था पुरुष जाति के लिए पुल्लिंग, स्त्री जाति के लिए स्त्रीलिंग। अब यहां पर एक दूसरा नपुंसक, कौन सा लिंग पढ़ने को और मिलेगा? नपुंसक लिंग। तो कितने हो गए? तीन। पुल्लिंग जाति का बहुत ग्रह पुरुष जाति का बहुत ग्रह पुल्लिंग, स्त्री जाति का बहुत ग्रह स्त्री। इन दोनों को वे चीजें जो इन दोनों में अपन ने नहीं गिनी, जिनका इस संसार में महत्व है, अपने लिए बेहद उपयोगी है, अपन उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन न वो पुल्लिंग में आती है न स्त्रीलिंग में आती है, वो कौन से लिंग में आ जाएगी? नपुंसक लिंग में। वो जो खुद स्वयं कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, लिखने का अस्तित्व है, इसके बिना अपन लिख नहीं सकते, लेकिन ये खुद मूवमेंट नहीं करेगा, तो इसको अपन कौन से लिंग में मानेंगे? नपुंसक लिंग में। अपनी पुस्तक होती है उसको अपन कौन से लिंग में मानेंगे? नपुंसक लिंग में मानेंगे। तो ये कुछ सामान्य चीजें थी जो आपके लिए नई है। एक था विसर्ग, दो बिंदु टाइप में लगाया था, एक हलंत, वचन आपने दो पढ़े थे, अब कितने पढ़ेंगे? तीन। लिंग आपने दो पढ़े, अब कितने पढ़ेंगे? तीन पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।